पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है, चल के बोलो जरा। सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं? रक्षा करने वाले राखी, आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। दो बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं? मैं क्या उसको राखी बांधवाने वाले के मन में ही नहीं, क्योंकि उसके मन में आ रहा 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा कपड़े दिलवाना पड़ेंगे। पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बांधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधी है। रक्षा करने वाला पिता भी होता है, बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा गोगर्धानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में है राखी उनको भी बांधी है, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, उसकी रक्षा भी हमें करना है और हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा, उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा, उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि ये दुनिया का भरण पोषण करेगा, तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते, रक्षा करने वाले को तुम्हारी रक्षा करे। माँ अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है, ये जरूरी नहीं कि तुम हमारा भाई नहीं है, हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाए, हम किसको भाई बनाए, हम किसको भाई बनाए। जी जी, ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नथु खेड़े के राखी मत बांध दिया, नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो हमें है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधे। और बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग नाटकों के माध्यम से, बहुत भ्रम फैला रहे हैं। किताब सुंदर व्याख्यान, तो राखी कब बांधे? मूल प्रश्न तो छूट ही गया, कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर अमर है, मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी हर पल हर क्षण मेरे बाबा का है, उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर बांधो, कोई बना शिव तक।